तबीयत ख़राब होने की वजह से, मतलब लाइफ मतलब दी एंड हो गई उस टाइम पे, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसकी वजह से मोटापे की। खाली बैठे हुए थे, मतलब सामने यमराज जी नज़र आ रहे थे कह सकते हो आप, जिसके पास भी सलाह लो वो यही बोलता था पहले वज़न कम करो। अब वज़न कम कैसे करो ये किसी को पता नहीं। कितना वेट है अंकल? 180 के जी का। बच्चों ने थोड़ा हौसला दिया, सलाह की, स्कूटी खड़ी थी घर पे, थोड़ा जुगाड़ लगाया इधर उधर से, इसको स्टार्ट करके 1 किलो राजमा लिया, चावल लिया, निकल गए बनाने, इससे शुरुआत हुई। आप लोगों की मेहरबानी है वैसे काम शुरू करवाने में, यूट्यूबर्स की बहुत तकड़ी मेहरबानी है। वीडियो वगैरह आते थे खाली बैठे फेसबुक में देखते थे, भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पहले दिन थोड़े से शुरू किया, नहीं बिका, दूसरे दिन नहीं बिका, लोगों को पता नहीं था। फिर हालत ऐसी थी मतलब स्कूटी की कि देख के कोई रुकता था, पता नहीं क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, लोगों के मन में काफ़ी ख्याल आते हैं बस। तो फिर लोगों ने खाना शुरू किया, तो लोगों को पता लगा। तो आज क्या क्या पका कर लाए अंकल? आज है जी राजमा है, कढ़ी है और छोले हैं। ठीक है, 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठ के खुद पकाते हैं? हाँ खुद बनाते हैं, एकदम गर्मा गर्म लाए अंकल, भाप उड़ रही है। खाना आपको 2 बजे तक गर्म रहेगा बिल्कुल। क्या बात है, जुगाड़ अंकल का नीचे वो रखा हुआ है, जुगाड़ फिट किया हुआ है, मतलब नीचे से हवा नहीं आती ना, नीचे से जो उनका टेम्परेचर है वो चारों तरफ से, तो बर्तन घिर जाते हैं इसमें, मतलब हीट लॉन है इन बैग में, तो खाना ठंडा नहीं होने देता। क्या बात है। और एक बार जरा कढ़ी की रंगत देखो आप, मतलब जैसे आप बिल्कुल पंजाबी कढ़ी खाते हो ना, मैं पंजाब में अभी रिसेंटली खा कर ही आई हूँ और इतनी बढ़िया खुशबू आई अंकल ने, जैसे इसका ढक्कन खोला गर्मा गर्म एकदम। इधर क्या अंकल? राजमा है। राजमा, ओए होए, बिल्कुल घर जैसे राजमा है अंकल। चावल देखो आप, मतलब इसके अंदर देखो इलायची, जीरा सब कुछ पड़ा हुआ है, दालचीनी, क्या बात है अंकल को। भाई मुझे लगता है खाने का जैसा शौक है ना, वैसे ही बिल्कुल दूसरों को भी खिला रहे हैं। तो भाई देखो अभी अंकल की दुकान खुली है, जस्ट अभी बातें ही कर रहे थे और ग्राहक जो है बस भगवान का रूप लेकर पहुँचने शुरू हो गए। क्या बात है, कितना बढ़िया रायता अंकल ने बनाया, बिल्कुल जैसे हम लोग पी भी लो आप, बूंदी वाला रायता और जीरा भी इसमें पड़ा हुआ है, जीरे का छूक भी है। तो ये अंकल रायता कैसे देते हैं? रायता 15 रुपये। तो भाई आ गए सरदार जी स्कूटर वाले के पंजाबी कढ़ी, कितने की प्लेट है अंकल ये? 40 रुपये। 40 की। तो भाई आप चाहे 40 की भी आपको प्राइस है, 30 का भी है, 50-60 जितने की आपको चाहिए आप अंकल से सिर्फ मांग कस्टमाइज करवा सकते हैं आप, कस्टमाइज भी होती है। तो भाई ये आ गया रायता सरदार जी स्कूटर वाले का, जो कि है 15 रुपये का। अब वेट नहीं कर सकते, पहले देख लो कितनी बढ़िया सी रंगत है और खुशबू तो ना, काश मैं आपको वीडियो में सुंघा पाती कि कितनी बढ़िया सी इसकी खुशबू आ रही है। भाई चलते फिरते रोड पर, मैं पहले खाना नहीं खाती थी लेकिन जब वीडियोस आप बनाते हो और आप जब टेस्ट करते हो तो पता चलता है कि नहीं, कभी कभी ना आपको ऐसी जगहों पर भी बहुत ही बढ़िया से एकदम रेस्टोरेंट वाला भी टेस्ट मिल सकता है। तो खा के बताते हैं कैसा है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं ऐसे सड़क किनारे खड़े होकर एक स्कूटर पर ये सरदार जी की बहुत ही टेस्टी कढ़ी चावल खा रही हूँ। मतलब बदरपुर का रोड है और पीछे देख लो भीड़ लगने शुरू हो गई है यहाँ पर, और भाई बहुत ही टेस्टी कढ़ी है, बहुत बिल्कुल जैसे पंजाबी स्टाइल में बनती है ना बिल्कुल वैसे है, और साथ में इन्होंने मिर्ची का अचार भी दिया है, प्याज भी दिया है, भाई ऑसम। ये भी पीकर बताती हूँ कैसा है, एकदम ठंडा, जीरे के छोंक वाला, बूंदी वाला रायता, बहुत ही बढ़िया। भाई हमारा जो पर्पस है ना ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि आप लोग जो ऐसे लोग जब आप इन्हें देखते हो ना, तो आप ये मत सोचोगे सड़क किनारे खड़े इनके पास स्वाद नहीं हो सकता है, बहुत स्वाद है इनके हाथों में, बहुत स्वाद है इनके इस खाने में, शुद्धता से बनाते हैं, घर का खाना बनाते हैं सरदार जी। देखिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हें देखकर लोग एक सबक लें, सीखें कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना 180 किलो के वज़न के साथ, अगर मैं यहाँ आ सकता हूँ, स्कूटी चला सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, खाना बेच सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। राजमा चावल में तो फर्स्ट टाइम खाया है इनके पास में, आज अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि रोड किनारे ऐसा भी खाना मिलेगा? नहीं, अच्छा बना था, हम तो आगे निकल गए थे, मैं आज चेक कर लेते हैं खा करके कैसा है कैसा नहीं, टेस्टी लगा। आपने पहले खाया है? खाया नहीं है, यूट्यूब पे ही देखा। अच्छा, और कल ही देखा था। क्या बात है, कल ही देखा तो मैं छतरी देखता हुआ आया उधर से, मैंने कहा आज लेके जरूर आ रहा, तारीफ बड़ी सुनी। क्या बात है जी, देख लो भाई अंकल
जी आए हैं रोड से, वीडियो देखी थी और गाड़ी रोकी इन्होंने सीधी यहाँ कि भाई खा के जाना है मुझे। खाया है आपने पहले? हाँ खाया है मैंने, अच्छा बढ़िया बनाते हैं। अच्छा लगा, हम जा रहे थे आगे पर इन्होंने कहा देखते खा के देखते ट्राई करते तो अच्छा लगा। सरदार जी किसी को यहाँ पे आना, जरा एक बार एड्रेस दस दो पूरा। एड्रेस मैम ये पड़ेगा, आप फरीदाबाद से आते हैं तो जैसे ही फ्लाईओवर उतरते हैं दिल्ली के लिए आश्रम जाने के लिए, तो राइट साइड में आपके लेफ्ट साइड में SBI बैंक बनता है सामने के, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एस्टेट, उसका पिलर नंबर 336 के सामने मैं मिलता हूँ, सामने LIC बिल्डिंग है। और कितने बजे से कितने बजे तक मिलेंगे? मैं लगभग 12:15 बजे से लेके जब तक खाना खत्म हो जाता है। एक बार उन लोगों को क्या कहेंगे जो आपको देखकर कुछ सीख रहे हैं? उन लोगों से कहेंगे कि जिंदगी हार मानने के लिए परमात्मा ने नहीं दी, जिंदगी मतलब जंग है एक, इसे जीतना ही पड़ता है।